हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आपने ज़रूर पढ़िए। मैंने पिछली वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन करवा दिए थे। मैंने अभी जो आपके स्लाइड है इसमें से मैंने पूरी पीडीएफ है, इसमें से आपको 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दी थी। एक मैराथन है बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपकी लगभग 700 प्रश्न से भी ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए इनको एक बार आपको देखना है। एक बार इनको आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ये समझ लो आपके पूरे क्वेश्चन फंस सकते हैं इसी में से। तो एक बार इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें सभी आपके टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो एक बार इन्हें जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देख लेते हैं, मैंने प्रश्न को 100 प्रश्नों को मैंने आपको हल करा दिया था, बता दिया था, लेकिन अब आगे चलते हैं आगे प्रश्नों से। तो देख लेते हैं कहाँ से हम शुरू करते हैं इस बार। तो पिछली वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख पाता हूँ कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ तक मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पूछा है 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है, तो 10 से 16 ग्राम होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है। तो याद रखना है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सा सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आंवला है। ऑप्शन याद रखना, आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये इनसे क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जरूर इनको पढ़ के जाइए। तो इसमें इस प्रकार क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, आँखों की रोग होता है ये रतौंधी, ठीक। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन होता है, मैं आपको बता दूँ, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की आपको मैंने अभी बता दिया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दी, इनसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जीवन सत्व प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा खनिज लवण यह शरीर में मुख्य किन यहाँ मुख्य कितना कार्य करते हैं, ये पूछा है। तो कितने दिन काम करते हैं ये है, तो ये आपका कुल 3 दिन तक काम करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहाँ पूछा है हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है। तो हमारा भोजन होता है 3 भागों में बटा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 यहाँ कह रखे 1 माइक्रोग्राम रेटिनल बराबर होता है 4 माइक्रोग्राम कैरिटोन की, क्या ये बात सत्य है, ये पूछा है। तो याद रखना 1 माइक्रोग्राम रेटिनल और 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा, ये बात एकदम सत्य है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे पूछा है कि बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है। तो जो याद रखना कि जब बीमारी हो जाती है तो इसमें क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, अभी ये क्वेश्चन आया था फिर से आ गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11, यहाँ पूछा है कि नायसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नायसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है, तो याद रखना सूखा पनीर। अब बात करते हैं नायसिन क्या है, तो नायसिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, या हम कह सकते हैं विटामिन B3 का दूसरा नाम या रासायनिक नाम है, ये याद रखना, ठीक। और इसका मुख्य साधन क्या है प्राप्त करने का, तो सूखा पनीर है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सूखा पनीर ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ पूछा है कि बेरीबेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग, तो विटामिन बी की यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते, विटामिन के की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है, पालक है, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सही हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये आपकी
रक्त का थक्का जमाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, आगे चलते देख लेते क्वेश्चन 14, घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये पूछा घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। मैंने आपको बताया था रिकेटस या सूखा या घेंगा रोग होता है वो एक ही होता है, तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से ये रोग हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 10 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पहला नंबर का है, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसकी कमी से पूछा है, अगर पूछे किस विटामिन कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है, तो किस तत्व की कमी से होता है, तो याद रखना आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं, कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं, तो दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं। तो याद रखना जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा, फास्फोरस मैग्नीशियम ये आपके दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 12 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निष्कासित हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना 320 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, आ सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रक्ताल्पता किस कमी के कारण होता है, रक्ताल्पता जिसे रक्ताल्पता रक्त की कमी हो जाती है जिसमें। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह लवण। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा नोट करके रखने चाहिए। ठीक, यहाँ पे किसकी कमी से, लौह तत्व की, ये भी बहुत ही ज़्यादा कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा जस्ता लिया जाता है, तो कितना जस्ता उसे लेना चाहिए, तो आपको 10 से 15 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ पूछा थायराइड ग्रंथि का भार है, थायराइड ग्रंथि का कितना भार होता है, ये पूछा तो 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 7 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पूछा लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा, एनीमिया। अभी इस प्रकार क्वेश्चन आया था कि एनीमिया को ही हम किस क्या कहते हैं, रक्ताल्पता की कमी कहते हैं, और रक्ताल्पता लोहे की कमी या लोहे की हम कह सकते हैं लौह तत्व की, या ठीक अभी हमने देखा था यहाँ पे लौह लवण पूछा था, लौह लवण या लौह तत्व या लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, या एनीमिया को हम कह सकते हैं रक्ताल्पता। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे मिले भी होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो इन चीज़ों को याद रखना, रक्ताल्पता एनीमिया एक ही चीज़ होती है, लौह लवण और लोहे को एक ही चीज़ मानते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो गया था, 9 देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 कि बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, तो बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर पूछा है, तो 11 से 12 ग्राम होता है, बच्चों की बात की। ठीक, याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ 12 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते टॉपिक चेंज हुआ, हर टॉपिक से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है, तो 70%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, तो 40% यदि आपके शरीर से जल कम हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गर्म जलवायु वाले, यहाँ पूछा है गर्म जलवायु वाले इलाके में जल का अधिकतम निष्कासन किस रूप में होता है, तो पसीने के रूप में होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 ही हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोज़ाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, ये पूछा है, तो कितने गिलास, आपको 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है, तो त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा, कितना जल बाहर निकल जाए, तो 500 ग्राम निकल जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल की मात्रा कितनी निकल जाती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि शरीर में लिए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है, तो यह होता है, तो यह इस समय क्या होता है, धनात्मक संतुलन होता है, तो यहाँ पे याद रखना कंडीशन ऋणात्मक संतुलन की पूछता है, देखिए क्या होता है कि जब शरीर में लिए गए जल की मात्रा, जब लिए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है, तो यह
क्या होता है, धनात्मक संतुलन होता है। लेकिन यही बात आ जाती है कि शरीर में लिए गए जल की मात्रा निष्कासित मात्रा से कम होती है, तो उस स्थिति में आपका ऋणात्मक जल संतुलन होता है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पूछा है कि शरीर को जल प्राप्त होता है, शरीर को जल प्राप्त होता है तो कितने साधनों से, ये पूछा है, 3 साधनों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दूध का जल में प्रतिशत होता है, तो दूध में जल का कितने प्रतिशत होता है, 78% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है कि जब भोजन को मुख गुहा में जाता है, जब गले के बाद अंदर जाता है तो उसे मुख गुहा बोलते हैं। ठीक, जब भोजन मुख गुहा में जाता है तो लार ग्रंथियों में उत्पन्न लार उत्पन्न होने लगती है, इस लार में क्या होता है, तो इस लार में पूछा है तो एमाइलेज, एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन, एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन एंजाइम, ये होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पूछा है कि शरीर को कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या चाहिए होता है, ये पूछा है। शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 ही हो जाएगा। और ऊर्जा सबसे पहले हमें, यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजक तत्व कौन से होते हैं, भोज तत्व कौन से होते हैं, भोज पदार्थ कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो याद रखना, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन जब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे ज्वर है, तो उस बुखार है, तो उस समय आपको ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक, ग्लूकोज या चीनी, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी यानी तुरंत आपको ऊर्जा देते हैं, तो इसलिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन की चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जठर रस। यहाँ पूछा है जठर रस को जठर ग्रंथियों से निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो याद रखना गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा के समय कम हो जाता है, तो निद्रा के समय कम हो जाता है क्या, BMR। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछा है कि गर्भावस्था के समय आधारीय चयापचय बढ़ जाती है तो कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 15 से 25%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पूछा है 24 आवर्स में, 24 घंटों में व्यक्ति के आधारीय चयापचय में व्यय हुई ऊर्जा की मात्रा होती है, तो ये पूछा है कितनी ऊर्जा की मात्रा होती है, तो एक याद रखना 1267। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा है एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो एमाइलेज को एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, एमाइलेज। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा है कि बड़ी आंत में भोजन की पाचन क्रिया होती है, तो बड़ी आंत में भोजन की पाचन क्रिया होती है, किस प्रकार, बिल्कुल भी नहीं होती, बड़ी आंत में भोजन की पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बड़ी आंत है वो भोजन का पाचन नहीं करती है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा है प्रोटीन पूर्ण रूप से पचकर किस रूप में अवशोषित हो जाते हैं, जो प्रोटीन होते हैं पूर्ण रूप से पचकर कार्बोट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पूछा है कि शरीर का मुख्य पाचन अंग है, तो शरीर का मुख्य पाचन अंग क्या होता है, छोटी आंत होती है, यानी आपका भोजन छोटी आंत में पचता है, बड़ी आंत में नहीं, ये पाचन क्रिया का काम बड़ी आंत नहीं करती है। ठीक, छोटी आंत में होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भोजन पचना तो यहीं से शुरू होता है, मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का मुख्य पाचक अंग, सबसे ज़्यादा मुख कौन है, तो वो छोटी आंत है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पानी शरीर में कहाँ अवशोषित किया नहीं होता है, तो पानी शरीर में कहाँ अवशोषित नहीं होता है, ये पूछा है, तो आमाशय में अवशोषित नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा है फ्रक्टोज फास्फोरस के साथ मिलकर फ्रक्टोज 6 का निर्माण करता है, तो यहाँ पे
फास्फेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी क्रिया शरीर के प्रत्येक कोश में होती है, तो ये आपको ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अमोनिया शरीर के लिए होता है, अमोनिया शरीर के लिए कैसा होता है, हानिकारक, निष्प्रभावी या लाभदायक या ज्वलनशील, तो ये हानिकारक होता है, अमोनिया को हम इस प्रकार से नहीं यूज़ करते थे, यानी अमोनिया आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पूछा एक ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम प्रोटीन को प्रदर्शित करता है, एक ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम प्रोटीन को प्रदर्शित करता है, तो 6.25 ग्राम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बासी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और शरीर के वसा कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना ऊतकों में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आसी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि दूध में विटामिन पाए जाते हैं, तो दूध में विटामिन पाए जाते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, दूध में विटामिन, देखिए विटामिन सी के अलावा सभी होते हैं, तो विटामिन ए और बी ये भी ऑप्शन सही है, विटामिन ए और डी ये भी ऑप्शन सही है, विटामिन सी और के ये भी गलत है, विटामिन बी और सी ये भी गलत है, जिसमें सी ऑप्शन आ रहा है वो गलत है, तो यहाँ पे ए और बी, ए और डी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आ सही हो रहा है, विटामिन ए और बी, जबकि विटामिन डी भी होता है लेकिन दूध में विटामिन पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लगता है, जिस विटामिन सी है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो देख लेते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया है बस ओनली ए और बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट दिया है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पूछा है दूध में शरीर निर्माण करने वाले तत्व पाए जाते हैं, तो दूध में शरीर निर्माण करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो यदि कि प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, और विटामिन ए तो होता ही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। आगे देख ले तो क्वेश्चन नंबर 3, दूध की कार्य क्या है, तो दूध की कार्य क्या है, तो ये पूछा है, देखिए शरीर का निर्माण करना, स्वास्थ्य रक्षा और शरीर निर्माण, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पूछा है सभी व्यक्ति सरलता से सेवन कर लेते हैं, तो सभी व्यक्ति सरलता से सेवन कर लेते हैं, देखो दूध का, चने का, खोए का, रोटी का, बिल्कुल नहीं, दूध का सरलता से सेवन कर लेते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 5, यहाँ पूछा है कि पशुओं में पाए जाने वाला रोग कौन सा होता है, तो फ्लैग नामक रोग होता है जो सबसे पहले मुर्गियों में फैला था, तो यहाँ में जो फ्लैग नामक रोग है तो ये आपके पशुओं में पाए जाने वाला रोग होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पूछा है कि एक शेर मछली में ताप होता है, एक शेर मतलब वो शेर नहीं है, यहाँ पे बात की गई है आपकी, जैसे एक किलो होता है उसी प्रकार से एक शेर होता है, एक शेर मछली में ताप होता है, तो कितना ताप होता है, तो 800 से 750 कैलोरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दूषित मांस की पहचान क्या है, दूषित मांस की पहचान होती है कि मितली, वमन, पेट दर्द, ये आपके समझ उपयुक्त सभी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मैंने तो कभी मांस खाया नहीं तो मैं कि मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं, पर दूषित मांस की पहचान क्या है, तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि मितली, वमन, पेट दर्द, ये समस्या होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 10 हो जाएगा। ठीक, उत्तम मांस की पहचान क्या है, तो याद रखना उत्तम मांस की पहचान क्या होता है, कड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये आ सही हो जाएगा। ठीक, जो भी मांस खाता है उसे इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी, जो भी मांस खाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि कौन कौन मांस खाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मादक पदार्थ कौन सा है, तो मादक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, अगला ऑप्शन है दूध, या ये क्या लिखा है इस पर दिखाई दे रहा है, तो भांग लिखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 ही हो जाएगा, भांग। ठीक, आगे चलते हैं, ये पेज काफ़ी ब्लर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट लिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ,
रम तैयार की जाती है, तो रम किसे तैयार किया थी, ये बताया गन्ने के रस से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सी हो जाएगा। आप मेरे को सुन के एक बार इसको लिख लेना है तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट में एक अच्छा उत्तम पौष्टिक पदार्थ है, तो एक अच्छा उत्तम पौष्टिक पदार्थ दूध होता है, तो याद रखना दूध के अलावा दूसरे नंबर पर आपको बताया था पिछली वीडियो में अंडा होता है। ठीक, सबसे पहले नंबर पर दूध आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पूछा है फलों के विशेष रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो फलों के विशेष रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो आम लाया जाता है, ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कोको में वसा कितने प्रतिशत होता है, कोको तो 20% होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मैं सोचता हूँ यहीं पर इसे स्टॉप करता हूँ। देख लेते हैं ये एक और देखो यहाँ पे बस ये एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। इन सभी को एक बार आपको पढ़ना है और देख लेना है ताकि अच्छे से याद हो जाएंगे, तो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में कितने से कितने वर्ष तक मानी जाती है, शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है, ये पूछा जन्म से एक वर्ष तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवावस्था कब से, जन्म से एक वर्ष तक। ठीक, जन्म से एक वर्ष तक, ऑप्शन नंबर आप इस साथ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिशु की विकास की गति कैसी होती थी, ये पूछा है बहुत तीव्र होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछा शिशु को आवश्यक कैलोरी ना मिलने पर उसका वजन किस गति के गति से बढ़ता है, तो धीमी गति से बढ़ता है, ये तो बिल्कुल है, शिशु को आवश्यक कैलोरी नहीं मिलेगी तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है, तो बहुत अधिक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 7 ही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ कह रहा है कि किसमें शिशु के वजन को उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाकर अंकित किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ब वृद्धि चार्ट। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पूछा है शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में कि विकास की वृद्धि तीव्र होती है, तो शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में, ये पूछा है किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है, तो प्रथम वर्ष में, पहले साल में उसकी वृद्धि बहुत तीव्र होती है, ये बताया। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए होती है, तो प्रोटीन की, सामान्य व्यक्ति से और जो शिशु की होती है उसे प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ 12 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8, कि जन्म के समय शिशु के सिर का माप होता है तो कितना होता है, आपको 300 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ आ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई होती है, शरीर की लंबाई ये पूछा है, तो 50 सेंटीमीटर की लमसम होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कितनी उम्र तक बच्चे आते हैं, तो जो बाल्यावस्था की बात करें तो 1 से 4 वर्ष तक, शिशुअवस्था या शैशवावस्था जन्म से 1 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 1 से 4 वर्ष तक। ठीक, ये याद रखना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पूछा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक होती है, तो 1300 कैलोरी, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 10 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बाल्यावस्था में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1300 कैलोरी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, यानी बच्चे के भोजन में कितनी कमी होने से रक्ताल्पता की शिकायत होती है, तो लौह लवण की रक्ताल्पता। अभी ये इस प्रकार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बच्चों दे दिया, बच्चे दे दिया, बच्चे नाम ही देता तो पूछता है रक्ताल्पता की कमी या एनीमिया की कमी का कारण क्या होता है, तो लौह लवण होता है, लौह लवण की कमी कारण ये समस्या हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलती है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पूछा है शिशु के आहार में किस विटामिन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तो विटामिन डी का, शिशु के आहार में किस विटामिन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, तो विटामिन डी का, विटामिन डी का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है। ठीक, सूर्य का प्रकाश। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने को आए हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु किसकी अति आवश्यक है, तो कैल्शियम अति आवश्यक है, कौन अधिक आवश्यक है, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन सीधा दिया है, कैल्शियम हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए होता है, तो याद रखना विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल है, ये बिल्कुल सही, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सत्य है, ये बात सही, विटामिन सी एक एस्कार्बिक अम्ल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक, तो ये एकदम बात सत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पूछा है कौन सी विटामिन रिकेटस रोग, अभी मैंने बताया विटामिन डी, ठीक, विटामिन रिकेटस रोग से बचने के लिए अति आवश्यक है,
तो विटामिन डी है जो जो विटामिन रिकेटस रोग का कारण बनता है। तो ये जब विटामिन रिकेटस रोग से बचने के लिए आती है आवश्यक विटामिन डी होती है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लौह तत्व की कमी से हो जाता है अभी मैंने नज़र रक्तअल्पता की। कई बार ये क्वेश्चन आया लेकिन थोड़ा पलट के आता है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा बदल के पूछा जाता है, बस आपको एक बार याद होना चाहिए कि रक्तअल्पता कमी कारण लौह तत्व होता है। तो याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ऊपर से नीचे कुछ भी उल्टा करके पूछ दे तो आप आंसर दे पाएंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 19, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 ही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पूछा है किस तत्व की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है? तो नियासिन, नियासिन पैलाग्रा, देखिए नियासिन क्या होता है, विटामिन B3 का नाम है, रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का नाम नियासिन है। और पैलाग्रा रोग हो जाता है, पैलाग्रा रोग क्वेश्चन इस प्रकार था, पैला रोग को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 4D-S, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैलाग्रा को और किस नाम से भी जाना था, 4D-S, ऑप्शन नंबर यहाँ मतलब ये पैलाग्रा को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि किस तत्व की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है, तो नियासिन यहाँ पे दे सकता है, विटामिन B3 भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 ही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर बाल्यावस्था किस आयु तक के होते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था एक से जन्म से एक वर्ष तक, बाल्यावस्था तो 1 से 4 वर्ष तक, अब यहाँ पूछा उत्तर बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। इनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वृद्धि और विकास की भिन्नता किस आयु में आती है? वृद्धि और विकास की भिन्नता किस आयु में आती है? तो जब आप 10 वर्ष के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा, 10 वर्ष की आयु में। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23, स्कूल अवस्था में पोषक तत्व होते हैं, तो स्कूल अवस्था में पोषक तत्व प्रोटीन विटामिन, स्कूल अवस्था में पोषक तत्व होते हैं विटामिन खनिज लवण, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पूछा है स्कूल अवस्था में बच्चों के दोपहर के भोजन के लिए कुल आवश्यकता होती है? तो स्कूल अवस्था में बच्चों के दोपहर के भोजन की कुल आवश्यकता होती है, जो भोजन खाते हैं उसका 1/3 भाग जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25, स्कूल स्कूल गामी बच्चों में कैलोरी की कुल कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 1800 से 2100 कैलोरी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, ICMR के विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए, तो कितना प्रोटीन देना चाहिए? 33 से 41 ग्राम तक। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 10 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, खनिज लवण में कैल्शियम की मात्रा होती है? तो खनिज लवण में 400 से 600 कैलोरी, खनिज लवण कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पूछा है बच्चों को दोपहर के भोजन में कुल ऊर्जा का आहार मिलना चाहिए? तो ऊर्जा का भी आहार 1/3 देना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 12 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शैशवावस्था में बच्चों का मुख आहार क्या होता है? तो शैशवावस्था में बच्चों का मुख आहार होता है दूध, माँ का ही दूध होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सीधा, शैशवावस्था कब से होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, और वो उस समय बच्चे का मुख आहार क्या होता है? दूध ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पूछा विटामिन ए की आवश्यकता बालक के किस अंग को प्रभावित करती है? तो शरीर भार के लिए, विटामिन ए आवश्यकता शरीर भार के लिए प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 8 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 31, कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है? तो 10% भाग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 सही हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32, मछली के यकृत का तेल बच्चे में किस विटामिन की पूर्ति करता है? तो विटामिन डी की पूर्ति करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ दिया है, बच्चों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है? तो 40 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था है? तो किशोरावस्था अधिकतम विकास की आवश्यकता है, एकदम सत्य है, क्योंकि किशोरावस्था में अधिकतम विकास होता है, तो ये भी बताया गया था, तो एकदम बात सत्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किशोरावस्था लड़कों के लिए किस वर्ष से किस वर्ष तक की मानी जाती है? तो याद रखना, किशोरावस्था पूछिए तो यहाँ पे
13 से 16 वर्ष की होती है। कितने 13 से 16 वर्ष किशोरावस्था पूछा है। ठीक, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किशोरावस्था लड़कियों की किस वर्ष तक मानी जाती है। तो लड़कियों की 11 से 14 और लड़कों की 13 से 16। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पूछा है किशोरावस्था कब से कब तक की उम्र मानी जाती है। तो किशोरावस्था कब से कब तक की उम्र मानी जाती है, 12 से 18 तक दोनों में कॉमन होती है। तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक, अगर लड़के लड़कियों को अलग डिफाइन करें तो अलग हो जाती है। अगर सीधी मानते हैं किशोरावस्था बिना बताए कि लड़के या लड़की की बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पूछा है किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में किस कारण परिवर्तन होता है। तो हार्मोन्स के स्त्राव के कारण परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 39, लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है। तो लौह लवण का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन की पूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ बासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन कौन सा है। तो प्रोटीन प्राप्ति का अच्छा साधन मूंगफली है। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो बाल्यावस्था के बाद आपकी किशोरावस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे दिया है कि किशोरावस्था में कौन सा विटामिन कौन सा विकास तीव्र गति से होता है। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। बालक किस अवस्था में सामाजिक रीति रिवाजों को समझने लगता है, तो किशोरावस्था में ये चीज़ सब समझने लगता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44, किशोरियों को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 65 से 63 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45, किशोरों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 से 78 ग्राम। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46, प्रौढ़ावस्था किस अवस्था के बाद आती है। तो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्व की मांग अधिक होती है, तो शारीरिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पास ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस वर्ग के लोग आते हैं, तो मजदूर तथा खिलाड़ी आते हैं। अधिक क्रियाशील कौन होते हैं, मजदूर भी होते हैं और खिलाड़ी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, और उच्च आय वर्ग की स्त्री पुरुष किस वर्ग में आते हैं। तो उच्च आय वर्ग की स्त्री और पुरुष कम क्रियाशील के रूप में वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, एक प्रौढ़ महिला की किस क्रियाशील के अनुसार लौह लवण की मात्रा 30 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो देखिए 30 मिलीग्राम होनी चाहिए, तो ये पूछा है मध्यम, अधिक, कम, तो ये कैसी भी हो सकती है, तो उपयुक्त तीनों हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पूछा है कि ओल्ड एडल्ट में वही व्यक्ति आते हैं जिनकी मृत्यु 55 वर्ष से अधिक हो। क्या पूछा है, ओल्ड एडल्ट में वही व्यक्ति आते हैं जिनकी मृत्यु 55 वर्ष के बाद होता है, वो किस में आते हैं, ओल्ड एडल्ट में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, यंग एडल्ट में वही व्यक्ति आते हैं जिनकी मृत्यु 17 से 35 वर्ष की आयु में हो जाती है, तो वो क्या होता है, यंग एडल्ट। और ओल्ड एडल्ट 55 ईयर्स की आयु में जिनकी मृत्यु होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एडल्ट श्रेणी में वह व्यक्ति आते हैं जिनकी आयु 35 से 55 साल है। एडल्ट की श्रेणी में आते हैं जिनकी मृत्यु 35 से 55 साल की आयु में हुई है। क्वेश्चन नंबर 54, संदर्भित पुरुष का वजन कितना होना चाहिए, संदर्भित पुरुष का वजन कितना होना चाहिए, तो पुरुष का वजन 60 किलोग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, संदर्भित महिला का वजन कितना होना चाहिए, तो इनका होना चाहिए 50 किलोग्राम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विटामिन B1 की आवश्यकता ली जाती है, तो दिन में विटामिन B1 दिन में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ का बास ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है, तो 400 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि कम क्रियाशील पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2425, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कम क्रियाशील महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 1875 कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सही हो जाएगा। ठीक,
काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे वीडियो पोस्ट करते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक जाएगी यदि बैलन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर लेते हैं, तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाती है। ठीक, तो वीडियो यदि पसंद आई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिनका भी पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।